हल्द्वानी नगर निगम काठगोदाम और जिला प्रशासन ने बाजार में व्यवस्था को बनाने को लेकर दीपावली पर्व को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान अभियान में मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्यक्ष, नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मौजूद थे। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया, दीपावली पर्व को देखते हुए बाजार क्षेत्र में व्यवस्था को लेकर अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी ओर से व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अनुसार ही अपना वाहन, अपना सामान लगाएं और ठेला व्यापारियों को चलते रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि दीपावली को लेकर बाजार क्षेत्र में उपभोक्ताओं के बाजार में आने के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने हमसे बाजार में व्यवस्था बनाने के लिए समय मांगा गया था। ठेला फड़ व्यापारी नेता प्रमोद अग्निहोत्री का कहना है कि बाजार क्षेत्र में दुकानों के द्वारा अपनी दुकानों के आगे कार्यों से आगे पैसों में लोगों को बिठा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रशासन या फिर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता है तो वो केवल रेड़ी पटरी और ठेले वालों को हटाता है, लेकिन दुकानदार को कुछ नहीं कहते। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शिकायत आ रही थी कि त्योहारी सीजन में हद से ज्यादा लोगों ने सड़कों पर सामान रख लिया है। जो सड़कों पर सामान ज्यादा से ज्यादा रख दिया है उसको हम अंदर कराने का काम कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं, यातायात को सुगम बनाने का काम कर रहे हैं ताकि त्योहारी सीजन में जो पब्लिक आ रही है उसको सहूलियत हो। लोगों ने दुकानें लगा रखी, अपने दुकान के बाहर एक और दुकान लगाई है, उसी क्रम में पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ अभियान चलाया। व्यापारी का भी कोई नुकसान ना हो, वो नाली पे लगा रहा है वो तो समझ में भी आ रहा है, लेकिन उसने जो रोड पे लगाया है